रिएक्शन। देखो बेटा एसएन वन जो है यूनि मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, ठीक है। यूनि मॉलिक्यूलर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूलर डिपेंड करेगा, और एसएन वन का जो मैकेनिज्म है ये कि एसएन वन रिएक्शन दो स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाता है, कार्बोनियम आयन बन जाता है पहले स्टेप के अंदर, और इसके अंदर जो अल्काइल हैलाइड हम चूज करते हैं वो टर्शरी होता है। देखो एसएन वन के अंदर हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बोनियम आयन बनेगा, और जो सेकेंड स्टेप होगा उसके अंदर जो कार्बोनियम आयन है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन होकर जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो देखो इसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं, ये पहला स्टेप है, ठीक है, और ये दूसरा स्टेप है, और पहला स्टेप स्लो है, ठीक है, और रेट डिटरमाइन स्टेप है ये। देखो बेटा पहला स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, इसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा किस पर? फर्स्ट स्टेप डिपेंड करेगा, और सेकंड तो फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड भी नहीं करेगा। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने वो लिख दिए हैं इधर, ठीक है। द स्टेप फर्स्ट इज रिवर्सिबल, जो स्टेप वन है वो रिवर्सिबल है। देखो बेटा देखो स्टेप वन क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। एसिन वन, ठीक है, तो देखो स्टेप वन जो रिवर्सिबल है और जिसके अंदर आयनाइजेशन होती है अल्काइल हैलाइड की। देखो अल्काइल हैलाइड की आयनाइजेशन हो जाएगी, अल्काइल जो हैलाइड है ना वो क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूस एसीटोन। जाहिर सॉल्वेंट आपको पोलर लेना पड़ेगा बेटा, पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं हम, पोलर एसीटोन या सॉरी एक्यूस एसीटोन या एक्यूस इथाइल अल्कोहल, ये पंजाब की बुक में लिखा हुआ है बेटा, ये पंजाब की बुक, क्योंकि ये जितने भी आप टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ वो पंजाब की बुक से ही है सारे, ठीक है। ये जो लाइन्स हैं वो पंजाब की बुक की है, ठीक है, कि भाई पहला जो स्टेप है इसका वो रिवर्सिबल है, स्लो स्टेप है, आयनाइजेशन होती है पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में, ठीक है। स्टेप वन प्रोवाइड कार्बो केटाइन, और इसके अंदर कार्बो केटाइन बनेगा। तो ये चीजें अभी देखो पेपर में ये चीजें आ रही थी कि स्टेप वन में एसिन वन में कार्बो केटाइन बनता है। देखो कार्बो केटाइन बन गया, कार्बो केटाइन का मतलब है कार्बन के ऊपर पांचवी चार्ज होगी, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा। कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाए। देखो बेटा अल्काइल हैलाइड ये टर्शरी है, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये आयनाइज हो गया कार्बोकेटाइन बन गया और हैलाइड आयन बन गया, कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूट गया, ये sp3 ही था, अभी sp2 हो गया कार्बोकेटाइन, ये बेटा sp3 ये sp2 में तब्दील हो गया, ठीक है। द सेकेंड स्टेप कार्बोकेटाइन इज अटैच, जो सेकेंड स्टेप होगा जिसके अंदर कार्बोकेटाइन जो होगा वो अटैच हो जाएगा, वो अटैक करेगा किसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल टू गिव फाइनल प्रोडक्ट, उसके बाद आपको मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ये अटैक जो है वो फ्रंट साइड से भी कर सकता है बैक साइड से भी कर सकता है बेटा। ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH, ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है बैक साइड पर। SN2 के अंदर क्या था, SN2 में जो अटैक करता है वो, ठीक है, अटैक कहां से करेगा, अपोज साइड से अटैक करता है। SN2 के अंदर अपोज साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि एक साइड पर हेलोजन लगा होता है, एक साइड पर हेलोजन लगा होता है, और इसमें क्या होकर अटैक कहां से करेगा, फ्रंट साइड से भी करेगा बैक साइड से भी अटैक करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, OH ग्रुप यहां भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, इधर लगेगा तो कॉन्फ़िगरेशन की इनवर्जन हो जाएगी बेटा। इधर लगेगा OH ग्रुप तो इनवर्जन होगी कॉन्फ़िगरेशन की, और OH ग्रुप इस साइड पे लगेगा तो इसका मतलब है रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब है सेम कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होगी। देखो ये CL यहां पे लगा हुआ है, देखो बेटा CL यहां पे लगा हुआ है, अगर CL की सेम पोजीशन पे OH ग्रुप लगेगा, CL की जगह पे OH ग्रुप लग जाएगा इस तरह, तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगी। OH ग्रुप अपोजिट साइड से लगेगा तो क्या हुई है, इनवर्जन हुई है। तो इसके अंदर SN1 के अंदर 50% इनवर्जन है, 50% रिटेंशन होती है, जबकि SN2 के अंदर क्या था, 100% इनवर्जन थी, 100% जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो इन्वर्टेड हो गई थी। तो
बेटा एसीएन टू के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है 100% लिखा हुआ है इसके अंदर इनवर्जन होती है, जबकि एसीएन वन के अंदर 50% इनवर्जन होती है, 50% जो है रिटेंशन होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो हम अल्काइल हैलाइड लेंगे वो लेंगे ट्रेशरी, ठीक है। और जो पहला स्टेप है स्लो स्टेप है, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताया स्लो स्टेप डिपेंड करता है, स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइन स्टेप भी कहा जाता है। तो इसका पहला जो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइन स्टेप होगा, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा स्लो स्टेप पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट स्टेप व्हिच इज रेट डिटरमाइन स्टेप, और रेट इज इक्वल टू के टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, फर्स्ट ऑर्डर होगा। रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से इंडिपेंडेंट होगा। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल कर दें ट्रिपल कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट पर, अल्काइल हैलाइड को डबल करने से रेट डबल हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड को डबल करने से रेट डबल हो जाएगा, क्योंकि एसएन वन है, यूनिमॉलिक्यूलर है, ठीक है। और इसके अंदर आप जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेंगे वो देगा एसएन वन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देंगे वो देगा एसएन टू, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दोनों मैकेनिज्म देते हैं बेटा, सेकेंडरी अल्काइल जो हैलाइड है वो दोनों मैकेनिज्म देते हैं, एसएन वन भी देते हैं एसएन टू। और ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर, अगर सॉल्वेंट आप पोलर यूज करेंगे तो पोलर सॉल्वेंट जो है वो हेल्प करता है आयनाइजेशन को, आयनाइज कर देगा और एसएन वन को फेवर करेगा, और जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो एसएन टू को फेवर करता है। तो बेटा ये पंजाब की बुक से है, क्योंकि पंजाब की बुक के अंदर, और यही इसमें से देखो आप जो प्रीवियस पेपर आपके आए हैं जितने एक से लेकर 12 तक जितने भी टेस्ट आपको दिए गए हैं उनमें से देखोगे एसएन वन एसएन टू के क्वेश्चन इसी यही चीजें हैं जो डिस्कस की गई हैं इसके अंदर। तो वहां से आप भले पढ़ लो, पंजाब की बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा अब आते हैं बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि अब जो रिएक्शन है देखो, एक तो आपने पढ़ कर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है या अल्काइल हैलाइड को अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो दो किस्म के रिएक्शन हो सकते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो जब अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के साथ या उसके ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो दो किस्म के रिएक्शंस हो सकते हैं। दो किस्म के कौन से रिएक्शंस? एक रिएक्शन ये हो सकता है कि एक न्यूक्लियोफाइल निकले उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल लग जाए, एक न्यूक्लियोफाइल निकले उसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगे, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो अभी पढ़ा था हमने। दूसरा रिएक्शन ये भी हो सकता है कि वो जो न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेस भी हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बेस भी होता है, और वो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को रिमूव करेगा, वो हाइड्रोजन आयन पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन आयन को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन आयन को रिमूव करेगा वो, और अल्किन भी बना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन भी साथ होते हैं। बेटा देखो जो बेस है वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल का भी रोल प्ले कर सकता है, वो बेस का रोल भी प्ले कर सकता है, वो प्रोटॉन को भी रिमूव कर सकता है, वो हाइड्रोजन को भी रिमूव कर सकता है, वो रिएक्शन एलिमिनेशन भी दे सकता है। तो इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन भी होते हैं। बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ रिएक्शन कौन सा होता है? साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन भी साथ होता है, जो आपको मैंने फेडर की बुक में से पढ़ाया था बिल्कुल के एक रिएक्शन जो है वो दोनों मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट बनाता है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी बनाता है और एलिमिनेशन का प्रोडक्ट भी बनाता है। तो इसके अंदर भी यही चीज है जिसको हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाती है। बीटा एलिमिनेशन का मतलब है बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होती है। तो इसको देखो, पढ़कर देखो कि क्या कह रहा है ये एलिमिनेशन। कहता है ड्यूरिंग एसएन रिएक्शन, जो एसएन रिएक्शन के दौरान न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान, बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अभी आप पढ़ कर आए हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपने पढ़े हैं, इसके अंदर क्या होता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जो अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल है, पढ़ा है हमने अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अटैक द इलेक्ट्रोफिल कार्बन, वो अटैक करेगा किस पर, इलेक्ट्रोफिल कार्बन पे। अरे कार्बन तो इलेक्ट्रोफिल होगा ना, कार्बन तो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफिल कार्बन पर अटैक करेगा। अब द अल्काइल हैलाइड,
अल्काइल हैलाइड के ऊपर। अच्छा, देयर इज अनदर साइट, एक और साइट भी होती है जिस पर भी वो अटैक कर सकता है। किस पर? वो हाइड्रोजन पे। दूसरी साइड ये भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोफाइल है, उस पर भी अटैक कर सकता है वो न्यूक्लियोफाइल। एक और साइट भी होती है जिस पे भी वो अटैक कर सकता है, वो कौन सी है अल्काइल हैलाइड की? वो है हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन पे भी अटैक कर सकता है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। दूसरी बात ये कि वो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन पे भी अटैक कर सकता है, बीटा हाइड्रोजन को भी इलिमिनेट कर सकता है वो। तो दो तरह के रिएक्शन आ सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब वो कार्बन पर अटैक करेगा, जब वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। किस पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। तो आपको देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब वो अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, अटैक किस पे करेगा? हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो आपको रिएक्शन देगा एलिमिनेशन। सच ए साइट इन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हाइड्रोजन कैन अटैच टू द बीटा कार्बन। जो हाइड्रोजन अटैच किस पे है? बीटा कार्बन पे। जो हाइड्रोजन अटैच है बीटा कार्बन पे, उस पर भी अटैक कर सकता है वो। और जब अटैक करेगा किस पर? बीटा हाइड्रोजन पे, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन पे, ठीक है, तो हमें अल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? अल्कीन बेटा, क्या मिलेगा हमें? अल्कीन मिलेगा, और रिएक्शन इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियोफाइल जो है, अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन के ऊपर भी अटैक कर सकता है, और हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है, और जिसकी वजह से रिएक्शन कौन सा प्रोसीड करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। जब वो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और रिएक्शन होगा एलिमिनेशन, और जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, और उस रिएक्शन को हम कहेंगे बीटा एलिमिनेशन। तो इसका मतलब है दोनों रिएक्शन साथ साथ प्रोसीड करते हैं, दोनों रिएक्शन साथ साथ प्रोसीड करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी और एलिमिनेशन रिएक्शन भी प्रोसीड करता है साथ साथ, ठीक है। अगर बेस की पोलरिटी को हम कम कर देंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। जिस तरह जो बेस हम यूज करते हैं, अल्कोहलिक बेस यूज कर देंगे, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। जो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है। तो यही सबब है। तो अगर बेस की पोलरिटी को हम कम कर देंगे, जो बेस है ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी पोलरिटी को हम कम कर देंगे तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। जब उसकी हम पोलरिटी को बढ़ा देते हैं, सपोज करते हैं एक्वस बेस यूज करते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है, ठीक है। तो हमें एल्कीन मिलेगा, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जगह पे एलिमिनेशन रिएक्शन मिलेगा हमें, मगर दोनों रिएक्शन साथ साथ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो दीज रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगा, उसके साथ एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगा। अब देखो, ये ब्रोमोइथेन है बेटा, ब्रोमोइथेन, और ब्रोमोइथेन को किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है, याद कर लो। अल्कोहलिक जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इलिमिनेशन को फेवर करेगा, जो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वह सब्स्टिट्यूशन को करता है फेवर, ठीक है। देखो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया हमने, यहां से Br रिमूव हो गया, यहां से हाइड्रोजन, यहां से Br रिमूव हो गया और यहां से हाइड्रोजन, तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन हुई है, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। बेटा देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन भी रिमूव होगी और हेलोजन भी, लिखा होगा देखो ये डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, डी का मतलब रिमूवल, रिमूवल किसका हुआ है? हाइड्रोजन का और हेलोजन का, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव हो गया, और बीच में डबल बॉन्ड, अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया। देखो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन हुई है, हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो गए और इनके दरमियान देखो डबल बॉन्ड आ गया और एच बी रिमूव हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टाइप्स हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की भी क्या है टाइप्स हैं, एसिन वन एसिन टू, बाय मॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की भी टाइप्स हैं, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो भी दो टाइप के होते हैं,
एक ई टू एक ई वन, एस एन वन और एस एन टू की तरह, देखो एस एन वन और एस एन टू की तरह जो इलिमिनेशन रिएक्शंस हैं उनके भी दो मैकेनिज्म हैं, एक ई वन और ई टू। ई टू बायोमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन और ई वन जो है यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन है। बेटा ई टू बायोमॉलिक्यूलर है और ई वन क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर है। तो पहले आते हैं ई टू पे। इन ई टू मैकेनिज्म द न्यूक्लियोफाइल अटैक एंड द लिविंग ग्रुप लीव्स द सेम टाइम, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पे, और जो लिविंग ग्रुप होगा हेलोजन, ठीक है, वो जो लीव करता है, हेलोजन जो है लिविंग ग्रुप है, ठीक है, वो एक साथ हो, मतलब जो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसके साथ लिविंग ग्रुप भी रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, सब कुछ साथ होगा, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी, रिमूवल ऑफ हेलोजन लिविंग ग्रुप जिसको बोलते हैं हम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, बेटा ये हाइड्रोजन निकलेगी, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी बीटा हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हेलोजन, रिमूवल ऑफ द लिविंग ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड अकर साइमल्टेनियसली, ये सब कुछ साथ होगा। ई टू में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ हेलोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड अकर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली सब कुछ साथ होगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा, और इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्किन बन जाएगा। तो देखो जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप है, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, सब कुछ एक साथ हुआ है, सिंगल स्टेप में हो गया, ये वन स्टेप के अंदर हो गया है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं स्लो स्टेप कहते हैं, इस स्टेप को स्लो स्टेप कहा जाता है, ये रेट डिटरमाइन स्टेप है, ये बेटा स्लो स्टेप है, ये रेट डिटरमाइन स्टेप इसको बोलते हैं, ठीक है। लाइक एसएन2, एसएन2 की तरह मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ई2 इज बायोमॉलिक्यूल 2, दैट एसएन2 में मॉलिक्यूलरिटी 2 है, दो मॉलिक्यूल साथ लेते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप में, बेटा एसएन2 के अंदर रेट डिटरमाइन स्टेप में दो मॉलिक्यूल साथ लेते हैं, तो ई2 में भी जो रेट डिटरमाइन स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, उसमें दो मॉलिक्यूल साथ लेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेकंड होगा बेटा, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगा, रेट ऑफ रिएक्शन दो मॉलिक्यूल डिपेंड करेगा, तो रेट इज इक्वल टू अल्काइल हैलाइड, रेट डिपेंड करेगा किस पर, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और साथ साथ बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के ऊपर पावर क्या है, वन है, और बेस के ऊपर पावर क्या है, वन है, वन प्लस वन क्या हो जाएंगे, टू हो जाएंगे, तो सेकंड ऑर्डर है ये, ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, टू होगा। जब अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को आप डबल करेंगे, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को आप डबल करेंगे, रेट डबल हो जाएगा, जब बेस की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, रेट डबल हो जाएगा, जब दोनों को डबल करेंगे तो रेट चार गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर जो होता है इस तरह ही है बेटा, जब कंसंट्रेशन को हम डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो चार गुना बढ़ जाता है। जब अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे और बेस की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट चार गुना बढ़ जाएगा। तो ये है ई टू बेटा, बाय मॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन दो मॉलिक्यूल डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल साथ ले रहे हैं, कौन से दो मॉलिक्यूल, अल्काइल हैलाइड भी ले रहे और बेस भी ले रहे, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने यूज किया एलिमिनेशन रिएक्शन दिलाने, बी आर रिमूव हो गया, और जो बेस है उसने प्रोटॉन को रिमूव कर दिया, ये बेस है, बी बी बेस है जिसने रिमूव किसको किया, प्रोटॉन को। अगर बेस OH है तो H के साथ मिलकर वाटर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बताएं ई वन पे, बेटा ई वन है यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन, देखो यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल डिपेंड करेगा। अभी जो आपने एस एन वन पढ़ा था तो ये एस एन वन की तरह ही है, इसका पहला स्टेप एस एन वन जैसे ही है, तो एस एन वन में भी कार्बोकेटाइन बनता है, इसके अंदर भी देखो कार्बोकेटाइन बनेगा, देखो सेम है, और ये क्वेश्चन टेस्ट में भी आया हुआ है कि कौन सा मैकेनिज्म है जो एक जैसा है, तो एसएन वन का पहला स्टेप और ई वन का पहला स्टेप एक जैसे हैं, एसएन वन का और ई वन का पहला जो स्टेप है वो दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों में कार्बोकेटाइन बनते हैं बेटा, दोनों के अंदर बनता क्या है, कार्बोकेटाइन बन जाता है, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू में तब्दील हो जाती है। तो अब देखो
इवन यूनिमॉलिक्यूलर इन इवन मैकेनिज्म लाइक एसएन वन मैकेनिज्म, इवन का मैकेनिज्म एसएन वन जैसा ही है बेटा, इवन का जो मैकेनिज्म है एसएन वन जैसा ही है, और जो पहला स्टेप होता है स्लो होता है, ठीक है, स्लो आयनाइजेशन हो जाती है, तो एसएन वन में भी सही है स्लो आयनाइजेशन, एसएन वन में भी स्लो आयनाइजेशन, इवन में भी स्लो आयनाइजेशन हुई है, देखो स्लो आयनाइजेशन हुई है, कार्बन और हेलोजन का बांड टूट गया, ये कार्बन और हेलोजन का जो बांड है टूट गया, कार्बोनेमाइन बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। इन द सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल या बेस अटैक करती है, बेस अटैक करती है और रिमूव करेगी किसको, प्रोटॉन को, किसको रिमूव करेगी, प्रोटॉन को, इस प्रोटॉन को रिमूव कर देगी बेटा, ये प्रोटॉन है या हाइड्रोजन को रिमूव कर देगी, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगी फास्टली, और डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा फास्ट, तो पहला स्टेप स्लो है दूसरा फास्ट है। और अब सबको बताए कि रेट डिटरमाइन स्टेप कौन सा होगा, पहला स्टेप होगा, स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइन कहते हैं, स्लो स्टेप में कितने मालिक हिस्सा ले रहे हैं, एक ही मालिक हिस्सा ले रहे हैं अल्काइल हैलाइड, बेटा स्लो स्टेप के अंदर एक ही मालिक्यूल है अल्काइल हैलाइड का जो हिस्सा ले रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा फिर, यूनिमॉलिक्यूलर होगा, क्योंकि जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है बेटा, जो फर्स्ट स्टेप है स्लो स्टेप है, इसको कहते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप, ठीक है। और पहले स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बना है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 में तब्दील हो गई है, और जो सेकंड स्टेप है फास्ट है, जिसमें बेस जो अटैक करता है किस पर, कार्बोकेटाइन पे, और वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है फास्टली, और डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ईवन जो है, देखो बेटा, ईवन इज यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर है, ठीक है। एंड रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगा, स्लो स्टेप डिपेंड करेगा, और वो पहला स्टेप है जिसपे रेट डिपेंड करेगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप डिपेंड करता है, फर्स्ट स्टेप स्लो है तो इसका मतलब वो रेट डिपेंड स्टेप होगा, तो रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल कहेंगे तो रेट डबल हो जाएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, बेस पे डिपेंड नहीं करेगा, बेस की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो आता है फास्ट स्टेप में, फास्ट स्टेप रेट डिटरमाइन स्टेप नहीं है, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइन स्टेप है, तो ये होगा यूनिमॉलिक्यूलर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वन होगा इसका, ठीक है। अगर बेस आप डिपेंड करेंगे अल्काइल हैलाइड को डबल करेंगे तो रेट डबल होगा, बेस को डबल करने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा फिर, इसके अंदर जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो फेवर करता है E2 को, याद कर लो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड किसको फेवर करता है, E2 को, बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन को, और टर्शियरी किसको फेवर करता है, E1 को, टर्शियरी फेवर करेगा E1 को, और जो सेकंड है वो किसको फेवर करेगा, दोनों को फेवर करेगा, तो सेकंड अल्काइल हैलाइड में SN1 SN2 दोनों होते हैं, तो जो सेकंड अल्काइल हैलाइड के अंदर E1 E2 दोनों होंगे, ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट की, जो सॉल्वेंट पे, अगर हम पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, आयनाइजेशन करेगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होगा वो फेवर करेगा किसको, SN2 को भी फेवर करता है, E2 को भी फेवर करेगा, ठीक है। तो बेटा ये कंप्लीट हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन, अब आते हैं आगे, ठीक है। अब आगे रिएक्शंस जो है, आगे हम आते हैं इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, कुछ और उस एग्जांपल्स पे, बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस उनकी एग्जांपल्स हैं, जिसमें एक नेगेटिव आयन निकल जाता है, दूसरा नेगेटिव आयन लग जाता है। अब देखो ये इथाइल ब्रोमाइड है जिसमें Br नेगेटिव है, और जो इथाइल है इसमें कार्बन जो है वो पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफिल कार्बन है। अब अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल, इसको कहते हैं सबस्ट्रेट, जिस पर अटैक होता है इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, पता है आप लोगों को कि जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। तो अल्काइल हैलाइड को हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट है बेटा, अल्काइल हैलाइड क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है। उस पर अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल OH, तो OH क्या करेगा, Br को डिस्प्लेस करेगा,
बी आर कौन कहेंगे, लिविंग न्यूक्लियोफाइल, जो बी आर है उसको कहेंगे लिविंग न्यूक्लियोफाइल। बेटा बी आर क्या है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग का मतलब है अपनी जगह छोड़ देगा, इसको लिविंग कहेंगे ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है सब, ठीक है। तो अब देखो बी आर की जगह पे ओच लग गया और बन गया अल्कोहल, क्या बना है अल्कोहल। अच्छा अब बी आर की जगह पे आयोडाइड लग गया, अल्काइल आयोडाइड बन गया। अच्छा बी आर रिप्लेस उसकी जगह पे कौन ले रहा है, साइनाइड लग रहा है, साइनो ग्रुप सी एन, ठीक है। तो अब देखो सी एच थ्री सी एच टू सी एन, इसको पढ़ते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। बेटा साइनाइड वैसे नाइट्राइल ग्रुप है, जो साइनाइड इसको नाइट्राइल पढ़ते हैं, पता है आपको, आपको मैंने सिखाया भी था नाइट्राइल है ये साइनाइड सी एन नाइट्राइल, तो उसको पढ़ते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। तीन कार्बन है ना, एक दो तीन, प्रोपेन नाइट्राइल। चार कार्बन होंगे तो ब्यूटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल, ठीक है। इस तरह बी आर की जगह पे एनओ टू ग्रुप लग गया तो नाइट्रो इथेन बन गया। अच्छा बी आर की जगह पे ओ सी एच थ्री लग गया, बेटा बी आर को रिमूव करके ओ सी एच थ्री लगा दिया हमने, तो इथर ग्रुप है ये, तो बन गया इथाइल मिथाइल इथर। बेटा इथाइल ये इथाइल है, ये मिथाइल है इथर, ये इथाइल ग्रुप हो गया सी एच थ्री सी एच टू इथाइल, और ये मिथाइल ये इथर, तो इथाइल मिथाइल इथर, या इसको पढ़ते हैं मिथाक्सी इथेन, या आईपी के नेम में क्या पढ़ेंगे इसको, मिथाक्सी इथेन पढ़कर आए थे आप लोग। अच्छा अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एनएच टू ग्रुप लग जाएगा इसके ऊपर, और अमोनिया से हाइड्रोजन निकल जाएगी, हाइड्रोजन मिलेगी बी आर के साथ एच बी आर बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन बन गया। बेटा ये प्राइमरी अमाइन बनाए, इसको क्या पढ़ते हैं प्राइमरी अमाइन, पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्राइमरी अमाइन है ये, वन डिग्री अमीन बन गया, वन डिग्री अमाइन बनाएगी। अच्छा अब इथाइल ब्रोमाइड को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, इथाइल अमाइन के साथ, इथाइल अमाइन के साथ, इथाइल अमाइन, तो हाइड्रोजन निकल जाएगी, हाइड्रोजन निकलेगी और हाइड्रोजन की जगह पे इथाइल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो डाई इथाइल अमाइन बन गया, बेटा डाई इथाइल अमाइन बन गया, ये देखो डाई, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल अमीन, डाई इथाइल अमीन, यह सेकेंडरी अमाइन बन गया, इसका मतलब है सेकेंडरी अमाइन बन गया। तो अल्काइल हैलाइड जब प्राइमरी अमाइन के साथ मिलता है, अल्काइल हैलाइड जब प्राइमरी अमाइन के साथ मिलता है तो सेकेंडरी अमाइन बन जाता है। देखो ये भी बहुत अहम बात है कि अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अमाइन के साथ मिल गया तो क्या बन गया, हमने सेकेंडरी अमाइन बना दिया, और टर्शरी के वाटर के साथ मिलेगा तो बी आर की जगह पे ओच लग जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। बेटा बी आर की जगह पे ओच लग जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अच्छा टर्शरी अमाइन के साथ मिलेगा, ये टर्शरी अमाइन है, थ्री डिग्री अमीन है, बेटा टर्शरी अमाइन है ना, ये ट्राई मिथाइल अमाइन है, ये ट्राई मिथाइल और ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन है ये, तो बन जाएगा क्वार्टर अमीन बनेगा, क्वार्टर अमीन बनेगा, क्या बनेगा बेटा क्वार्टर अमीन, का मतलब चार अमाइन ग्रुप लग जाएंगे, सॉरी चार बन जाएंगे इथाइल ग्रुप, अमीन के साथ चार इथाइल ग्रुप लग जाएंगे। देखो सी एच थ्री सी एच टू होल फोर लिखा हुआ है, सी एच थ्री सी एच टू होल फोर, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगी और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगी, जैसे अमोनिया माइन बनता है ऐसे ही बन गया। अमोनिया में चारों हाइड्रोजन लगती है, अब इसके अंदर चार इथाइल ग्रुप लगेंगे, नाइट्रोजन के साथ चार इथाइल ग्रुप लगेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी। अच्छा उसके बाद सी एच थ्री सी एच टू बी आर है, तो बी आर निकल गया, बेटा बी आर की जगह पे, बी आर की जगह पे क्या लग गया है, सी एच थ्री सी ग्लो, तो बन जाएगा इथाइल एसीटेट। देखो बेटा बी आर निकलेगा और बी आर की जगह पे एसीटेट ग्रुप लगेगा, एसीटेट भी नेगेटिव ग्रुप है, एसीटेट भी न्यूक्लियोफाइल है, तो बी आर की जगह पे एसीटेट लगेगा, बन जाएगा इथाइल एसीटेट और प्लस में एन ए बी आर। तो ये सारे के सारे देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर जब अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अमाइन के साथ मिल जाता है, अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अमाइन के साथ, तो देखो इसे सेकेंडरी अमीन बनाए, अल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ मिल जाता है, अल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ मिलता है तो प्राइमरी अमाइन बन जाता है। देखो अल्काइल हैलाइड जब अमोनिया के साथ मिलेगा तो प्राइमरी अमाइन बनेगा, ये देखो प्राइमरी अमाइन बनाए, और प्राइमरी अमाइन जब अल्काइल हैलाइड के साथ मिलेगा तो सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन जब अल्काइल हैलाइड के साथ मिलेगा तो टर्शियरी अमाइन, अगर टर्शियरी अमाइन जो है वो मिलेगा किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ बनेगा क्वार्टरनरी अमाइन, क्वार्टरनरी अमाइन बन जाएगा, चार ग्रुप लग जाएंगे अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये
बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से अच्छा अब आते हैं वर्ड्स रिएक्शन। आपको पता है अल्काइल हैलाइड वर्ड्स रिएक्शन भी देता है। देखो अल्काइल जो हैलाइड हैं उनसे वर्ड्स रिएक्शन भी बनता है। जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम एटम के साथ हीट देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर की मौजूदगी में, नोट कर दो बहुत अहम बात है, अल्केन बनते हैं इससे बेटा, सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हैं। देखो इससे सिमेट्रिकल अल्केन बनते हैं। जब मिथाइल आयोडाइड को सोडियम एटम के साथ हीट देंगे, बेटा मिथाइल आयोडाइड को सोडियम एटम के साथ हीट देते हैं, मिथाइल आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल लेंगे, मिथाइल आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल उसको सोडियम एटम के साथ हीट देंगे, सोडियम एटम के साथ क्या करते हैं हम हीट देते हैं तो हमें मिलता है इथेन। क्या मिलता है? इथेन। तो इस तरह देखो ये है इथाइल क्लोराइड। बेटा इथाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल हैं, इथाइल क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल हैं? दो। इथाइल क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल हैं? दो मॉलिक्यूल हैं। इसको देखो ये Cl, ये Cl मिलेगा किसके साथ? Na के साथ, NaCl बन जाएगा, ये NaCl बना लेंगे। इथाइल और ये दूसरा इथाइल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? इथेन बना लेंगे। बेटा ये इथाइल और ये इथाइल दोनों मिल जाएंगे आपस में, बन जाएगा ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन गया और प्लस NaCl बन गया। तो अब ये क्या है? अल्काइल हैलाइड रिएक्टेड सोडियम मेटल, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ, अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा इन द इथर सॉल्वेंट, इट गिव्स अल्केन्स, इसे मिलेगा हमें अल्केन। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। इसे क्या बनता है? सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बेटा? सिमेट्रिकल अल्केन मतलब इथेन बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं, इस तरह आप अल्केन बना सकते हो। सिमेट्रिकल मतलब मिथाइल हाइड्रेट से इथेन, इथाइल हाइड्रेट से ब्यूटेन बन जाएगा, इथाइल हाइड्रेट से ब्यूटेन बनेगा। देखो एक इथाइल हाइड्रेट का मॉलिक्यूल, दूसरा इथाइल हाइड्रेट का मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल का, ये इथाइल हाइड्रेट का मॉलिक्यूल, ये भी इथाइल हाइड्रेट का मॉलिक्यूल, क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। अच्छा उसके बाद है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेटा अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से क्या मिलेगा हमें? वो भी अल्केन बनेगा। अल्काइल हैलाइड की जो रिडक्शन करते हैं तो अल्केन बनता है। जैसे मिथाइल हाइड्रेट की रिडक्शन करेंगे तो मीथेन, इथाइल हाइड्रेट की रिडक्शन करेंगे तो इथेन, प्रोपाइल हाइड्रेट की रिडक्शन करेंगे तो प्रोपेन। ये भी अल्काइल हैलाइड है जिसकी रिडक्शन से हम अल्केन बना लेते हैं। तो अल्काइल हैलाइड कैन बी रिड्यूस्ड, अल्काइल हैलाइड को हम रिड्यूस करते हैं विथ जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस एसिड। देखो जिंक और किसकी मौजूदगी में? एक्वियस एसिड की मौजूदगी में। देखो बेटा अल्काइल हैलाइड को हम रिड्यूस करते हैं किसकी मौजूदगी में? जिंक एंड एक्वियस एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिडिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो या आप एसिडिक एसिड ले लो, ठीक है। तो आगे क्या मिलेगा हमें? अच्छा अब देखो तो इथाइल प्रोपाइल क्लोराइड है ये, प्लस जिंक प्लस HCl, प्लस जिंक के प्लस में क्या है? HCl। तो Cl निकलेगा, Cl की जगह पे H लग जाएगा, ये Cl की जगह पे क्या लगेगा बेटा? H लग जाएगा, Cl की जगह पे H लग गया, प्रोपेन बन गया। और जो Cl यहां से निकला है और ये Cl दोनों ये जिंक के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड बना लेंगे। देखो बेटा ये Cl निकला, इसकी जगह पे H लगा, Cl की जगह पे क्या लग गया? H लगा, रिडक्शन होगी इसकी। Cl यहां से निकलेगा, ये Cl और ये Cl जिंक के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड बना लेंगे। अच्छा रिएक्शन विद सोडियम लीड अलाई, सोडियम और लीड अलाई, देखो टेट्रा सोडियम लीड, बेटा टेट्रा सोडियम लीड हो गया, टेट्रा सोडियम Na4Pb, क्योंकि Pb की जो वैलेंसी है वो 4 होती है बेटा, तो Pb के साथ सोडियम कितने लगेंगे? 4, तो Na4Pb। तो ये कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, बेटा ये मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड को किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? टेट्रा सोडियम लीड के साथ। तो क्या बन जाएगा? तो Na निकलेगा, Na की जगह मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। बेटा Na की जगह से जो Na पहले 4 लगे थे Pb के साथ, Na कितने लगे थे? 4, अब 4 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे Pb के साथ प्लस NaCl।
टेट्रामिथालीड बन गया, टेट्रामिथालीड। और ये नाक इनहिबिटर है बेटा, ये नाकिंग को रोकता है, ये गैसोलीन के अंदर नाक इनहिबिटर है, इसको कहते हैं एंटी नाकिंग एजेंट, एंटी नाक एजेंट भी कहा जाता है। देखो ये नोट कर देना, तो ये एंटी नाकिंग एजेंट भी है, नाकिंग को कम कर देता है, गैसोलीन के अंदर जो नाकिंग होती है इसको कम कर देता है, ठीक है। अब देखो इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड किसके साथ मिल जाता है, टेट्रा सोडियम लीड के साथ, तो क्या बना रहता है, टेट्रा इथालीड बना रहता है, टेट्रा इथालीड और प्लस NaCl, ठीक है, एंटी नाकिंग एजेंट है ये, एंटी नाकिंग एजेंट, एंटी नाकिंग एजेंट है गैसोलीन के अंदर, नाकिंग को कम कर देता है, नाकिंग को रिड्यूस कर देता है, और ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देता है, ये ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज कर देता है। देखो गैसोलीन का जो ऑक्टेन नंबर है इज इंक्रीज बाय एडिंग टेट्राइथालीड, ऑक्टेन नंबर जो है वो बढ़ जाता है टेट्राइथालीड ऐड करने से, अब आते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। बेटा देखो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड कौन सा है, गिरगना डिएजन है, तो गिरगना डिएजन को कहते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटलिक मेटल मैग्नीशियम है तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड या गिरगना डिएजन, RMGX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो इसके अंदर मैग्नीशियम मेटल मौजूद है इसलिए इसको कहते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जो गिरगना डिएजन है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ठीक है। तो RMGX जो RMGX है जिसको हम गिरगना रिएजेंट कहते हैं, इसको ड्राइव कहां से करते हैं, अल्काइल हैलाइड से, ये अल्काइल हैलाइड से बनता है बेटा, गिरगना रिएजेंट बनता है अल्काइल हैलाइड से, जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ, अल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, ईथर होगा विदाउट वाटर, विदाउट अल्कोहल, ड्राई इथर यूज करेंगे हम, ये नोट कर दो बेटा, इसके अंदर इथर जो हम यूज करते हैं उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ड्राई इथर होना चाहिए, जो इथर है वो एनहाइड्रस इथर होना चाहिए, विदाउट वाटर, विदाउट अल्कोहल, ठीक है, प्योर इथर होना चाहिए। तो ये है कि RMGX ड्राइड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, गिरगना रिएजेंट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर बाय विक्टर गिरनार्ड, विक्टर गिरनार्ड ने बनाया था इसको 1900 के अंदर, ठीक है। कभी कभी ये सन भी पूछ लेते हैं क्योंकि इसके अंदर ये सन दिया गया है उनके पंजाब की बुक में 1900 का लिखा हुआ है, तो ये सन भी याद कर लो, कभी कभी पूछ भी सकते हैं ये। तो गिरगना रिएजेंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्केन, गिरगना रिएजेंट से आप अल्केन बना सकते हो बेटा, गिरगना रिएजेंट से आप अल्केन बना सकते हो, आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो, आप सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हो, टर्शियरी अल्कोहल बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, इसका मतलब है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बन सकते हैं गिरगना रिएजेंट से। तो गिरगना रिएजेंट से एम कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से और इसकी एम एप्लीकेशन की वजह से विक्टर गिरनार्ड को मतलब इनसे जो गिरगना रिएजेंट को प्रिपेयर किया जाता है बाय रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन होगा बेटा, मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन होगा किसके साथ, विद अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, किसकी मौजूदगी में, ड्राई इथर की मौजूदगी में, ठीक है। तो ये अल्कोहल फ्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अल्कोहल से फ्री होना चाहिए, मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए, इसका मतलब इसके अंदर ना तो अल्कोहल हो ना मॉइस्चर इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो RX, ये बेटा RX है, अल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथर, तो बन जाएगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, RMGX बनेगा। देखो ये अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है एनहाइड्रस इथर की मौजूदगी में, तो बन जाएगा RMGX। अब आते हैं इथाइल ब्रोमाइड, बेटा ये इथाइल ब्रोमाइड है प्लस मैग्नीशियम, तो बन जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और गिरगना रिएजेंट की जो रिएक्टिविटी है वो है पोलरिटी पे डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी,
अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है अल्काइल हाइड्रेट की। अल्काइल हाइड्रेट जल्दी मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड। बेटा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। अच्छा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल हैलाइड। बेटा प्राइमरी में सबसे ज्यादा कौन होगा? मिथाइल हैलाइड होगा। मिथाइल हैलाइड के बाद इथाइल, इसके बाद प्रोपाइल। ठीक है, मिथाइल हैलाइड होगा, उसके बाद इथाइल होगा, उसके बाद प्रोपाइल होगा। ठीक है, और अगर मिथाइल हाइड्रेट है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मिथाइल हाइड्रेट। जो मिथाइल हाइड्रेट है वो सबसे रिएक्टिव है। मतलब इस तरह होगा, ठीक है, बेटा अभी आपको मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पढ़ा दिया था, मगर मैं बता दूं मिथाइल आयोडाइड ज्यादा रेट में किसे? मिथाइल ब्रोमाइड से। मिथाइल ब्रोमाइड सबसे रिएक्ट किसे ज्यादा है? मिथाइल क्लोराइड, देन मिथाइल फ्लोराइड। मिथाइल फ्लोराइड लेस रिएक्ट होगा क्योंकि कार्बन और फ्लोरिन का बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, जल्दी ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो ग्रिग्ना रिएजेंट बेटा आर एम जी एक्स, एम जी को पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्ना रिएजन इज ड्यू टू पोलरिटी। बेटा पोलरिटी है, पोलरिटी ऑफ कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड। बेटा कार्बन और मैग्नीशियम के बॉन्ड की पोलरिटी की वजह से रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है। ये क्वेश्चन भी टेस्ट में था कि जो ग्रिग्ना रिएजन है वो रिएक्टिविटी क्यों इसकी ज्यादा, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड पोलर होता है, ज्यादा पोलर होता है, ज्यादा पोलर की वजह से उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब आते हैं ग्रिग्ना रिएजन से कौन से कंपाउंड को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। बेटा ग्रिग्ना रिएजन जो है उससे उसकी एप्लीकेशन कौन सी है, कौन से कंपाउंड को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं? तो अब आते हैं एप्लीकेशन पे। बेटा देखो एप्लीकेशन ऑफ द ग्रिग्ना रिएजन, नंबर वन हाइड्रोलाइसिस या रिएक्शन विथ वाटर। बेटा देखो हाइड्रोलाइसिस
या रिएक्शन विथ वाटर, हाइड्रोलाइसिस करेंगे या वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे इसको, तो आर एम जी एक्स प्लस वाटर बेटा ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। इसमें देखो Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल नेचर का है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये किसके साथ मिलेगा, वाटर के H के साथ। बेटा ये न्यूक्लियोफाइल R मिलेगा H के साथ, तो बन जाएगा आर एच। अल्केन बन गया प्लस एम जी एक्स और OH, ठीक है। अच्छा अब हम लेते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज प्लस H OH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब क्या होगा, अब जो इथाइल ग्रुप है बेटा ये इथाइल ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये मिलेगा किसके साथ, H के साथ। ये बेटा इथाइल है, ये मिलेगा H के साथ, इथेन बना लेगा। प्लस एम जी बी आर और OH, ठीक है। तो देखो ग्रिग्नर्ड रिएजन के आप हाइड्रोलाइसिस करोगे या वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको अल्केन मिलेगा। तो देखो अल्केन की फॉर्मेशन इसको यूज कर सकते हैं, ग्रिग्नर्ड रिएजन से आप अल्केन बना सकते हैं। अगर इधर मीथा लेंगे तो H के साथ मिलकर मीथेन बन जाएगा, इथा लेंगे तो ग्रिग्नर्ड रिएजन के हाइड्रोलाइसिस से इथेन बन जाएगा, तो मीथेन इथेन प्रोपेन कोई भी बना सकते हो अल्केन। ठीक है, नंबर टू, रिएक्शन विथ अमोनिया। देखो बेटा रिएक्शन विथ अमोनिया आर एम जी एक्स, Mg को पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव प्लस अमोनिया HNH2, H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। देखो अमोनिया के साथ रिएक्शन, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, तो अमोनिया को इस तरह आपने ब्रेक करके लिखना है HNH2, ये इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल। तो जो R है ये मिलेगा H के साथ, अल्केन MgX NH2 लग जाएगा, तो अल्केन बन गया। इसमें भी देखो अल्केन बना है, तो अल्काइल जो ग्रुप है वो H के साथ देगा, अल्काइल ग्रुप है अगर मीथाइल है तो H के साथ मिलकर मीथेन बनाएगा, इथाइल है तो H के साथ मिलकर इथेन बनाएगा, प्रोपाइल है तो H के साथ मिलकर प्रोपेन बनाएगा। तो बेटा ये अल्काइल ग्रुप जो भी होगा ग्रिग्नर्ड रिएजन के साथ, जो भी अल्काइल ग्रुप होगा बेटा ग्रिग्नर्ड रिएजन के साथ, जो भी अल्काइल ग्रुप होगा वो H के साथ मिलकर अल्केन बना लेगा। रिएक्शन विथ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा, इसमें भी अल्केन बनेगा। बेटा अल्कोहल के साथ रिएक्शन में भी अल्केन बनता है। अब देखो CH3 CH2
एमजी बियर ये, तो एमजी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इथल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल में एच पॉजिटिव शो करता है बेटा। अल्कोहल में जो एच है ये बांड टूटेगा, ओर एच का बांड टूटेगा। याद कर लो गिरगना रीजन में, जब गिरगना रीजन अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। एसिडिक प्रॉपर्टी, हार्ज क्या करेगा एच, याद करो। तो याद कर लो गिरगना रिएजेंट जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन आयन खार्ज करेगा। खार्ज क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन खार्ज करेगा। ठीक है, एच आयन खार्ज करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो ये मिलेगा किसके साथ, किस एच के साथ, और बन जाएगा इथेन। प्लस एमजी बीआर और ओसी। ठीक है बेटा, इथाइल जो है वो किसके साथ मिलेगा, अल्कोहल के एच के साथ मिलेगा, और अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, अल्कोहल कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिडिक। और ऑर्डर ऑफ रिएक्ट ऑफ अल्कोहल, इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्ट भी क्या होगा, ठीक है, और जो अल्कोहल का कौन सा बांड टूटेगा, ओ और एच का बांड टूटेगा बेटा। अल्कोहल का ओ और एच का बांड टूटेगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, सबसे ज्यादा ऑर्डर जो होगा रिएक्टिविटी होगी प्राइमरी की, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि एसिड प्रॉपर्टी में प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी से, सेकेंडरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टर्शरी से। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो प्राइमरी वाला होगा, ये जो मिथाइल अल्कोहल है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद इथाइल अल्कोहल है, उसके बाद प्रोपाइल अल्कोहल है ऐसे। तो देखो इथाइल ग्रुप मिलेगा एच के साथ और इथेन बना देगा, तो देखो इसके अंदर अल्केन बना है बेटा, इसके अंदर बना क्या है, अल्केन बन गया है। तो अब देखो हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे गिरगना रीजन की, उसमें भी अल्केन बना। ठीक है, उसके बाद हमने जो सेकंड रिएक्शन पढ़ा था अमोनिया के साथ रिएक्शन, उसमें भी अल्केन बना। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था अल्कोहल के साथ रिएक्शन, उसमें भी अल्केन बना है। ठीक है, अब ये होगा कि बाकी जितने भी रिएक्शन चार पांच रहते और भी इसके अंदर हैं, ठीक है, वो अब नेक्स्ट जो क्लास होगी इसमें हमको पढ़ा लूंगा, क्योंकि अब आपका टेस्ट भी है, ठीक है, बायो का आपका टेस्ट भी है, तो उसकी आप भले आप तैयारी कर लो, और बाकी जो रिमेनिंग इसके अल्कोहल के रिएक्शंस हैं, क्योंकि 2 दिन लगे हमें रिवाइज करने में, तकरीबन सारा ही हो गया, बस थोड़ा कुछ रहता है वो पढ़ा लूंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, अल्कोहल का, ओ सॉरी, इनका गिरगना रीजन का।